हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। 2019 की लड़ाई लगातार जारी है, पिछली बार आप दूसरे नंबर पर रहे थे, बहुत ज्यादा वोट आपको मिले थे, लगभग 4,08,000 के आसपास आपको वोट मिले थे। इस बार लड़ाई कैसी दिख रही है, क्योंकि लड़ाई से पहले गठबंधन हो गया? देखिए, गठबंधन मिलाकर भी हमें फायदा ही करेगा। हम चुनाव के अंदर बिल्कुल साफ स्थिति है, हम चुनाव जीत रहे हैं और भारी वोट के साथ जीतेंगे। गठबंधन को पिछली बार भी कुछ वोट नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलेगा। और इस तरह के गठबंधन तो लोकल लेवल पर मेरे पास साथ हमेशा होते हैं। ये सारे नेता जो मेरे खिलाफ बोलते फिर रहे हैं, ये कभी मेरे साथ रहे नहीं, तो इनसे मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है। एक और सवाल ये उठ रहा है कि अभी 3 राज्यों के चुनाव आपने जीते और 2019 की लड़ाई से पहले प्रियंका गांधी मैदान में आती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का करिश्मा फेल हो गया क्या, जो प्रियंका को लाना पड़ा? अरे भाई, इसमें करिश्मा फेल होने की कौन सी बात है। बहन अगर भाई की मदद के लिए आगे आ जाए कि आपके ऊपर कोई कष्ट हो, तो क्या आपका भाई आगे नहीं आएगा? इसमें कौन से पहाड़ टूट गया। और प्रियंका जी आई हैं, प्रियंका जी नौजवानों के लिए एक नई रोशनी की किरण है। कैसा मुकाबला देख रहे हैं इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए, कि लोग तो कह रहे हैं कि प्रियंका की छवि इंदिरा से मिलती है, उनको भी प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट किया जाए? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके अलावा किसी बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद जी ने लगातार जो है बातचीत की और बेबाकी से अपनी बात कही, साथ ही कहा कि किसी बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।